फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर एक साथ कई फिल्म्स रिलीज हो रही हैं। बीती शाम बी टाउन स्टार्स ने रिलीज से पहले अपनी फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई के एक पीवीआर में रखी। देखिए इस ग्लैमरस शाम का पूरा नजारा। फिल्मों का शौक रखने वालों को हर हफ्ते फ्राइडे का इंतजार जरूर रहता है। इस फ्राइडे भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ बेहतरीन फिल्में रिलीज होने जा रही हैं। स्क्रीनिंग पर फिल्म के मेकर रॉबी ग्रेवाल के साथ एक्टर सिकंदर खेर भी नजर आए। जॉन अब्राहम स्क्रीनिंग पर देरी से ही सही, लेकिन अपनी फिल्म बिग स्क्रीन पर देखने जरूर पहुंचे। जॉन ने इस मौके पर मीडिया के सवालों का जवाब दिया। जॉन काफी वक्त से पेट्रियोटिक फिल्म्स कर रहे हैं, ऐसे में जॉन का रोमांटिक अंदाज कब देखने को मिलेगा, सुनिए। आई वुड लव टू डू इट, बट आई नीड द राइट स्क्रिप्ट टू डू अ लव स्टोरी, एंड अगर एक स्क्रिप्ट मिल जाए अच्छा, I would love to, क्योंकि मेरा जो लव है ज्यादातर मेल एक्टर्स की तरफ ज्यादा होता है, अभिषेक बच्चन। आई नीड टू नाउ शिफ्ट गियर्स, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, सो आई रियली नीड टू शिफ्ट गियर्स एंड आई थिंक आई नीड टू डू अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल लव स्टोरी, लेकिन कुछ मुझे ऐसा मिला नहीं। जॉन अपने किरदारों के जरिए हर बार कुछ अलग करने की कोशिश कर रही हैं। फिल्म के लिए उन्होंने खुद में कितने बदलाव किए, सुनिए जरा। देयर वाज ऑफ कोर्स देयर वाज मैसिव वेट लॉस उस टाइम पे, लेकिन आई थिंक लाइक आई सेड फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन से ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो कोई भी कर सकता है। आप यू नो बीइंग एन ओल्ड मैन, आपने देखा है मेरे इंस्टाग्राम पे, यू कैन डू इट। उससे ज़्यादा इज हाउ डू यू प्ले द कैरेक्टर, वो प्लेइंग द कैरेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्योंकि आज के तारीख में थैंकफुली व्हाट पीपल से इज दैट यू नो वी स्टॉप्ड आस्किंग जॉन अब्राहम अबाउट कितने किलोस कम और ज़्यादा किए इसने, इट्स मोर अबाउट हाउ ही परफॉर्म दिस कैरेक्टर्स। तो परफॉर्मेंस पे हमने ज़्यादा गौर दिया है, वी कॉन्सेंट्रेटेड अ लॉट ऑन द परफॉर्मेंसेज, और आई थिंक होपफुली एंड आई होप यू ऑल्सो फील द सेम कि इस फिल्म में जो परफॉर्मेंसेज है आपको अच्छे लगेंगे। वेल, ये तो हुई रॉ की बात, अब आपको दिखाते हैं एक और फिल्म की स्क्रीनिंग का नजारा। महेश भट्ट पूजा भट्ट दोनों ही सोनी की फिल्म देखने के लिए पहुंचे। अब अगर आप आलिया की तलाश कर रही हैं, तो आपकी ये तलाश भी खत्म कर देते हैं। दरअसल आलिया अपनी फिल्म कलंक के ट्रेलर लॉन्च की वजह से थोड़ा बिजी थी, जिसकी वजह से मिस भट्ट थोड़ी देर से अपनी मॉम की फिल्म देखने पहुंची। जिम सरफ, कल्कि केकलिन, शबाना आजमी जैसे स्टार्स भी नो फादर इन कश्मीर देखने पहुंचे। अरबाज खान की र्यूमर गर्लफ्रेंड जॉर्जिया इंद्रानी भी फिल्म देखने के लिए पहुंची। वैसे 5 अप्रैल को सिनेमाघरों के अलावा डिजिटल प्लेटफॉर्म भी आपके लिए कुछ